हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत आसान है इसे बनाना। जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं उसी तरीके से बनके घर पे तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा टिप को हमें ध्यान में देना होगा, थोड़ी ट्रिक को ध्यान में देना होगा, तभी आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ है बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप आवाज़ से समझ गए होंगे कितने क्रिस्पी बने हैं ये। इन्हें बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। बस आलू की क्वालिटी है जो, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फ्रेंच फ्राइज में, तभी आपके फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे बनेंगे। आलू में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले हम इसका छिलका निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने दोनों का छिलका निकाल लिया है और इसे पानी में डाल लिया है। पानी में डालने से ये जल्दी काले नहीं पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन्हें फ्रेंच फ्राइज का शेप देंगे। दोनों साइड से इस तरीके से काट लेंगे इसके कॉर्नर। इससे क्या होगा कि जो साइज होगा ना, इक्वल होगा। आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, वरना ना काटें। देखिए, इस तरीके से हम पीस कर लेंगे इसके बीच में से कट करके। थोड़ा सावधानी बरतें यहाँ पर। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। देखिए, इस तरीके से पीसेस हम इसके बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं पीसेस, और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करने हैं। देखिए, इस तरीके से करने हैं। ये काट के हम सीधे इसे पानी में डालेंगे। अगर आप इसे पानी में नहीं डालेंगे तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। देखिए, मैं किस तरीके से काट के इसे तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, हाथ से काटने पर बिल्कुल इक्वल साइज़ तो नहीं हो पाएंगे सारे, थोड़ा छोटे बड़े तो हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी टेस्टी बन जाते हैं। ये देखिए, सारे फ्रेंच फ्राइज मैं इसी तरीके से काट के तैयार करूँगी। देखिए, इस तरीके से काटना है हमें। बस थोड़ा सेफ्टी बरतनी है यहाँ पर। इस तरीके से काटना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे काटने के लिए थोड़ा बड़ा वाला जो चाकू होता है उसका यूज़ करें, उससे ये आसानी से कट जाते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी टिप ये है कि इसको पानी से हमें 2 से 3 बार धोना है, ताकि जो इसका स्टार्च है ना, वो सारा निकल जाए। ये एक बार मैंने धो लिया है और फिर छलनी लगाई, पानी सारा निकाल लिया इसका। फिर से हम इसे पानी में डालेंगे। ऐसे ही करके हमें 2 से 3 बार इसे बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, तभी आपकी फ्रेंच फ्राइज बेहद क्रिस्पी बनेगी, ताकि जो इसका स्टार्च है ना, वो सारा निकल जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे पानी में डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई में मैंने पानी डाला हुआ है। पानी में मैं डालूँगी 1 चम्मच के आसपास नमक। पानी को थोड़ा गर्म होने देना है। नमक को मिला लेंगे, मतलब कि पानी में थोड़ा सा उबाल आ जाए तब हम इसे यूज़ करेंगे। पानी देखिए बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब जो आलू हमने काटे हुए हैं उसे इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो फ्रेंच फ्राइज को तलेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तलने के लिए। मिक्स करते हुए मिक्स मिला लेंगे इसे, और ढक के हम इसे 3 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए, इसमें एक उबाल आ चुका है, या फिर जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक इसे पकाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। गैस ऑफ कर लिया मैंने, एक छलनी ली है, इसमें इन आलू को हम इस तरीके से डाल लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, तुरंत ही इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। ये मैंने ठंडा पानी डाल लिया है। बहुत अच्छी तरीके से इन्हें ठंडे पानी से धो लेना है। अब मैं क्या करूँगी, ये किचन टॉवल लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और इन आलू को हमने फैला लेना है, ताकि जो इनका मॉइस्चर है सारा सूख जाए, यानी कि जो आलू का मॉइस्चर है उसे हमें बहुत अच्छी तरीके सुखाना है।
ऐसे टॉवल से सुखा लेंगे। इधर आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, इस तरीके से पकने चाहिए ये, इससे ज़्यादा नहीं पकने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक लिया है पॉली बैग, इन फ्रेंच फ्राइज को हम इसमें डाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंच फ्राइज को आप महीनों तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये पॉली बैग में मैंने फ्रेंच फ्राइज को डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसे ऐसे टैप करते हुए हमें मिक्स कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर सब में आसानी से लग जाए। अब मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है यहाँ पर और इन फ्रेंच फ्राइज को हम इस तरीके से इसमें रखेंगे। इस तरीके से आप रख के इसे फ्रीजर में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसे तुरंत फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ये मैंने निकाल लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, आप देख सकते हैं इनका मॉइस्चर बहुत अच्छी तरीके सूख चुका है। यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, पहले हमें मीडियम तेल को गर्म करते हुए हम फ्रेंच फ्राइज को इसमें डाल लेंगे। अभी हमें यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को पूरा नहीं पकाना है, लगभग 60-70% हमें यहाँ पर पकाना है इसे पहले। ऐसे लगातार करछी चलाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैं इसे छलनी में निकाल लूंगी। पहले हम इसे इसी तरीके से फ्राई करके रखेंगे। ये देखिए ये निकाल लिया मैंने, दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो फ्रेंच फ्राइज है ना बेहद क्रिस्पी बनते हैं। इसे भी हम तल लेंगे। ऐसे तलने के बाद 5 मिनट इन्हें रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस करेंगे। इन्हें भी निकाल लेते हैं। अगर आप इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे आपके फ्रेंच फ्राइज बेहद क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर तेल मैंने, अब ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं फ्रेंच फ्राइज, सुखा लिया है इन्हें 5 मिनट के लिए और यहाँ पर तेल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है। अब हम इन्हें तलेंगे। गरम तेल में इन्हें डाल लिया है, बस 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इनमें गोल्डन कलर आ चुका है, थोड़ा और फ्राई कर देंगे इसे। ये मैं इसे छलनी में निकाल लूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, आप आवाज़ से समझ चुके होंगे। जितने फ्रेंच फ्राइज आपको ज़रूरत है उतने ही तलें एक बार में, सारे इसी तरीके से तल के हम तैयार करेंगे। इनमें भी गोल्डन कलर आ चुका है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हुए हैं ये, ये निकाल लिया मैंने इन्हें, आवाज सुनिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ऊपर से नमक डालेंगे और थोड़ा रेड चिली पाउडर, आप यहाँ पर ऊपर से चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी,
इधर आप देख सकते हैं ये फ्रेंच फ्राइज बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बेहद क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको आज की मेरी ये फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।